नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। गोरखपुर में करीब 300 की संख्या में राष्ट्रीय विद्यालय के बच्चे निकले और हर बच्चे के हाथ में तिरंगा और कई बच्चे गांधी जी की वेशभूषा में तो कोई भारत माता बनकर सड़क पर निकलकर हर घर तिरंगा मिशन का बिगुल फूंक रहा है। आपको बता दें कि करीब 300 की संख्या में बच्चे अपने स्कूल से निकले और करीब 4 किलोमीटर दूर जाकर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की स्मृति पर माल्यार्पण पढ़कर उन्हें नमन किया। राजधानी लखनऊ स्थित रजापीजी कॉलेज ग्रुप ने एक नया कीर्तिमान हासिल किया है। उच्च शिक्षा गुणवत्ता परक है और संस्कार युक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर रजत ग्रुप के संस्थापक डॉक्टर आरजे सिंह ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। इंटरनेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेशन में आज रजत ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को लिया जा रहा है। उसके लिए हमारी एक इंटरनेशनल संस्था है, यूडेक्स इंटरनेशनल लॉ फर्म, जो कि पूरे दस्तावेजों का सत्यापन करती है, मूल्यांकन करती है, उसके बाद वो प्रमाण पत्र देती है कि इस संस्था को या इस कॉलेज को या इस व्यक्ति विशेष को क्वालिटी सर्टिफिकेशन में लिया जाए। तो रजत ग्रुप ऑफ कॉलेज ने जो दस्तावेज अपने लंबे समय के शिक्षा क्षेत्र में किए गए कार्यों का और साथ साथ उत्कृष्ट प्रबंधन का जो दस्तावेज प्रस्तुत किया था, उस आधार पर यूडेक्स इंटरनेशनल लॉ फर्म ने इस संस्था को इंटरनेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेट देने का मुझे भेजा है। हमने पिछले 30 साल के रिकॉर्ड को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम को दिया और सौभाग्य से वहाँ पर बहुत सारे हजारों लोग अपना ब्यौरा देते हैं, जिसमें रजत ग्रुप ऑफ कॉलेज का वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए चयन हुआ। इसके लिए लखनऊ ही नहीं वरन हमारा पूरा भारतवर्ष शिक्षा जगत के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड 5 देशों में दिया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूके, स्विट्जरलैंड और इंडिया। सौभाग्य से अभी तक इन 5 देशों में कुल 499 संस्थाओं को, वो विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज़, बहुत से इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो शिक्षा से जुड़े हैं, और 500वां हमारा आज ये कॉलेज ऑफ ग्रुप जुड़ रहा है, जिसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया जा रहा है। गुजरने वाली NH-28 में अधिग्रहित हुई जमीनों के मुआवजे को लेकर जमीन मालिकों और किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अधिग्रहित हुई जमीनों के मालिकों ने संबंधित लेखपाल पर प्रपत्रों को सत्यापित नहीं करने का आरोप लगाया है। जमीन मालिकों का कहना है कि संबंधित प्रपत्रों को सत्यापित करने के लिए हल्के के लेखपाल सुविधा शुल्क की मांग कर रहे हैं। इस मामले में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से अपील की है कि इस मामले को संज्ञान में लेकर लेखपाल के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उन्हें मुआवजे की रकम दिलाई जाए। मिलना था जो रोड के जमीन हम लोग की गई है, लेखपाल जो है जिससे रिश्वत पाते हैं उनका काम कर देते हैं और जो रिश्वत नहीं दे रहे हैं उसको जो है नहीं दे रहे हैं। विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के यहाँ से मुआवजा संबंधी सारे प्रपत्रों को पूर्ण कर किसानों का हस्ताक्षर करा लिया गया है, लेकिन खेद का विषय यह है कि हल्का लेखपाल श्री इंद्रमणि पांडे के द्वारा किसानों से रुपए की मांग की जा रही है इनके प्रपत्रों के सत्यापन के नाम पर। जो किसान प्रपत्र सत्यापन के नाम पर रुपया देता है उसका सत्यापन करते हैं, जो नहीं देता उसका सत्यापन नहीं करते हैं। नहीं, गांव से कुछ लोग आए थे जिन्होंने यह शिकायत की कि लेखपाल सत्यापन करके नहीं दे रहे हैं, तो उसके लिए तत्काल हमने SDM साहब को निर्देशित किया है कि आज ही उनको SLO ऑफिस लेखपाल को भेजे और यहां पर सभी लोगों का जिनके सत्यापन होने वो सत्यापन करके उसे क्लियर करें, तो आज ही इस पर कार्रवाई हो जाएगी। खबर सिद्धार्थनगर
नगर से है, जहां आजादी की 75वीं वर्षगांठ को देश भर में अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसके लिए जोरदार तैयारियां भी की गई हैं। खासतौर पर अगर यूपी की बात करें तो यहां सियासी दल इस कोशिश में जुटे हैं कि हर घर में अपनी सहभागिता ज्यादा से ज्यादा पेश की जाए। वहीं समाजवादी पार्टी भी तिरंगा अभियान के जरिए राष्ट्रवाद का संदेश देने में जुटी है। आपको बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 9 अगस्त से 15 अगस्त तक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गांव गांव जाकर घर पर तिरंगा झंडा फहराएंगे। इसको लेकर सोमवार को सपा के नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद आलोक तिवारी ने कार्यकर्ताओं को झंडा वितरित किया। अखिलेश यादव जी के निर्देश पे 9 अगस्त से 15 अगस्त तक पूरे उत्तर प्रदेश में और जिला सिद्धार्थनगर में समाजवादी पार्टी के सभी समाजवादी के नेतागण अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में, अपने अपने नगर पालिका में झंडा वितरण का कार्यक्रम करेंगे। पूरा देश अमृत महोत्सव के नाम से मना रहा है, उसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव के आह्वान पर हम लोगों ने तय किया है कि 9 अगस्त से 15 अगस्त तक सभी घरों पर विधानसभा क्षेत्र वासी के, जनपद सिद्धार्थनगर के सभी घरों पर और खासकर समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को सचेत करने के लिए इस कार्यक्रम को बनाया गया है। औरैया में समाजवादी पार्टी के सचिव अनुज यादव ने पार्टी के सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का सदस्यता अभियान जिला स्तर पर शुरू किया गया है। सदस्यता अभियान के तहत बूथ स्तर पर 1 सक्रिय सदस्य और 50 साधारण सदस्य बनाना आवश्यक है। 1 सक्रिय सदस्य बनने के लिए कार्यकर्ता को एक बुक ₹20 प्रति साधारण सदस्य के हिसाब से 50 खरीदने रसीदे काटकर 1000 का सक्रिय सदस्य बन सकता है। समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य बन चुका हूँ और आगे मेहनत और लगनशील से जो है काम करेंगे और जो है घर घर जाके जो है सदस्यता ग्रहण करवाएंगे सबको और सबको रसीद काट के मतलब देंगे। ₹20 जो है शुल्क है, रसीद शुल्क ₹20 है। बहुत खुशी है मैं अभी इस नहीं मतलब काफ़ी चारों से हम जुड़े हैं। मेरा अध्यक्ष जी का जो आदेश आया है हम भी पार्टी में हमने भी प्रारंभिक रसीद कटवाई है और हमारा काम है कि हर वर्ग को जोड़ना और जोड़ रहे हैं। पार्टी की तरफ से आदेश दिए गए हैं हर विधानसभा में 400 सक्रिय सदस्य बनाए जाएंगे। जो पार्टी में पदाधिकारी बनेगा वो सक्रिय सदस्य होना अनिवार्य है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस समय सक्रियता के सक्रिय सदस्य के लिए बहुत गंभीर है। हर कार्यकर्ता को टेलीफोन से पूछ रहे हैं कितने लोगों आपने बनाए हैं। मैं जिला अध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी, अनुज यादव मेरा नाम है। हमें 25 सक्रिय कर्ता दिए गए हैं। 1 सक्रिय उस कट्टे में 50 प्रारंभिक सदस्य बनेंगे, उनकी 30 से 20 रुपये। अलीगढ़ के कुआरसी क्षेत्र के रामघाट रोड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कार्यालय पर भ्रष्टाचार और विद्युत विभाग द्वारा किसानों का उत्पीड़न किए जाने के विरोध में भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने किसानों के साथ किसान महापंचायत कर धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश सरकार पर किसानों से मुफ्त बिजली देने का आश्वासन देने के बाद नलकूपों पर विद्युत मीटर लगाकर सरकार वादा खिलाफी कर रही है। महापंचायत में किसानों ने दावा किया कि जब तक किसान परेशान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। जो किसान हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। शीघ्र किसानों का उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। किसान के साथ अन्याय हो रहा है। सन 1967 में देश का किसान नेता, ईमानदार किसान नेता चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, इस तरह ही उस समय त्राय त्राय किसान कर रहा था तो उन्होंने 76 रुपये कुंटल किसान का गेहूं खरीदवाया था। उस समय 70 रुपया प्राइमरी के मास्टर को सरकार तनख्वाह देती थी। 70 से तो तनख्वाह हो गई 70,000, 80,000 और 76 रुपये कुंटल से अभी 2,000 भी नहीं हो पाया। ये घोर अन्याय है।
लखनऊ के लुलु मॉल में हनुमान चालीसा पढ़ने वाले अक्षय शास्त्री राम नगरी अयोध्या पहुंचा, जहां हनुमानगढ़ी में उनका भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद उन्होंने हनुमान लला का दर्शन पूजन किया। इस दौरान सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के पुजारी ने उन्हें भगवान वस्त्र पहनाकर चांदी का गदा भेंट किया और गले लगाकर आशीर्वाद दिया। वहीं अक्षय शास्त्री ने युवाओं से देश और धर्म के लिए आगे बढ़ने की अपील की। जब लुलू मॉल का उद्घाटन परम पूज्य योगी जी ने किया था, उसके कुछ दिन बाद ही कुछ अराजक समुदाय ने वहां जाकर अपनी एक प्रयोग सिद्ध किया, नमाज पढ़ा, और नमाज पढ़ने के बाद उसको समाज ने कहा कि ये गलती है। गलती के बाद उसका एक पोस्टर लगाया गया कि यहां पर किसी भी प्रकार की प्रार्थना करना जायज़ नहीं है, मना किया गया। लेकिन उसके बाद भी उसने फिर से उसको दोहराया और वह गलती नहीं कही जाएगी, बार बार गलतियाँ नहीं होती। और इसी को देखते हुए हमने भी एक प्रण किया कि वहाँ जाकर उस किए गए अराजक कार्य और अपवित्रता फैलाने के लिए वहाँ पर जाके रामधुन और हनुमान चालीसा पढ़ के उस माल को शुद्ध करेंगे। तब हमें गुरु जी से प्रेरणा मिली और वहाँ पर हम लोग जाकर हनुमान चालीसा किए। पूरे देश में, पूरे प्रदेश में एक चर्चित मामला था, एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान है लुलु मॉल। उस लुलु मॉल में असामाजिक तत्व के लोग जो नारा देते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, एक वर्ग समुदाय विशेष के लोग, ऐसे लोग असामाजिक तत्व के लोग वहां जाकर नमाज पढ़ना, भाई मंदिर होता पूजा पाठ के लिए, मस्जिद होता नमाज के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सचान को जमानत मिल गई है। आपको बता दें कि राकेश सचान को कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के मामले में एक साल की सजा दी थी, साथ ही वो 1500 जुर्माना भी लगाया था। फिलहाल कोर्ट ने उन्हें 50,000 के मुचलके के साथ जमानत दे दी है। खबर देवरिया जनपद से है, जहां दर्जनों की संख्या में कई कॉलेजों के बच्चों ने छात्र संघ चुनाव को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के गेट पर पहुंचकर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही एडीएम को ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने एडीएम प्रशासन पर छात्रों से दुर्व्यवहार करने और जेल भेजने की धमकी देने का गंभीर आरोप भी लगाया। हम लोग ज्ञापन लेके बैठे थे डीएम साहब के पास, और वहाँ से एडीएम साहब आए, पंकज कुंवर सिंह, पंकज कुंवर नाम है उनका, वो सर आए हैं। उसके बाद से वो लिए हैं, दुर्व्यवहार किए हम लोग के साथ, कर रहे हैं, तुम लोग क्या बैठे हो, तुम लोग के पास गाइडलाइन है क्या, यहाँ से भगाइए इन सबको, ये बच्चे हैं सब, क्या करेंगे सब। हम लोगों को अधिकार मारा गया है, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई है, डीएम साहब खुद नहीं आए हैं। खबर फरीदाबाद से है, जहां मेट्रो स्टेशन को उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें सीआईएसएफ को एक पत्र मिला था जिसमें मेट्रो को उड़ाने की धमकी दी गई थी। धमकी भरे पत्र की सूचना पर पुलिस पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने जांच के बाद इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसके बाद युवक ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि उसकी पत्नी का मनीष नाम के युवक के साथ अफेयर चल रहा है, जिसे फंसाने के लिए रामवीर ने ये साजिश रची। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। आरोपी मेडिकल का छात्र है, इसकी पत्नी भी पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएट है, और वो यहाँ पे नौकरी करने के लिए आई थी। दोनों के बीच मतभेद रहे हैं, इसलिए वो वहाँ नौकरी करने आ गई थी। वो इसको ये आइडिया है, आरोपी बोलता है कि मैं कुछ वो मैं लड़ाई झगड़ा पसंद इंसान नहीं है, टीवी सीरियल वगैरह और जो ये जो दूसरे जो सीआईडी वगैरह किस तरह के सीरियल देखता था, उससे उसको आइडिया है कि वो अपनी पत्नी के प्रेमी को उससे दूर कैसे करे, इससे उसको आइडिया आया। अब भी मैं इस तरह का लेटर लिख के उसके नाम से और उस पर डाल दूंगा तो पुलिस उसको पकड़ लेगी और वो उसकी पत्नी से वो दूर हो जाएगा। तो इस वजह से उसने अपना दिमाग को ऐसे यूज किया जिसमें खुद ही। खबर गाजियाबाद से है, जहां नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला से अभद्रता करने वाले आरोपी श्रीकांत त्यागी के खिलाफ अब पुलिस प्रशासन का एक्शन शुरू हो गया है। इस मामले में श्रीकांत त्यागी परिजनों का बयान भी सामने आया है। परिजनों का कहना है कि श्रीकांत त्यागी के पैतृक सिहानी गांव पहुंचे तो वहां परिवार वाले बेहद ही परेशान है। पुलिस लगातार सिहानी गांव में दबिश दे रही है। श्रीकांत के ताऊ का कहना है कि इसको उसी दिन सरेंडर हो जाना चाहिए था।
यहाँ से बचपन से रहेगा, उसका तो यहाँ कोई मतलब भी नहीं, तो जानता भी कोई नहीं यहाँ पे। अच्छा, क्या लगता है आपको पेश हो जाना चाहिए उनको पुलिस के सामने, कोर्ट में पेश होना चला जाना चाहिए? आप तो पुलिस छोड़ दी ना, उसे मालिक मारेगी। अगर गलत करा है, विकास दुबे बन गया ये अब। हाँ, ये अब विकास दुबे सबसे दूसरा, पुलिस की जब नौकरी जाएगी पुलिस छोड़ेगी। खबर देवरिया जनपद के मईल थाना क्षेत्र के ग्राम पिपरा से है, जहां पीड़ित ने खेत के बंटवारे में हिस्सा न मिलने पर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर मदद की गुहार लगाई, साथ ही हिस्सा मांगने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। पीड़ित का कहना है कि उसने पहले भी दो बार मुख्यमंत्री दरबार पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई थी, जिसके बाद भी खेत में हिस्सा नहीं मिल पा रहा है। आज बहुत ज़्यादा घटना हमारे जबरदस्ती में घूम करके हमारे बांस और आम और पेड़ काट दिया गया है, जबरदस्ती मारने पीटने आते हैं। हमारा रास्ता पूरी तरह से परेशान किया गया है, हमारा रास्ता देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कौन है जो मारपीट कर रहे हैं? तेज नारायण है, गोपाल है, मिंटू है। किस गांव के रहने वाले? पाठक पिपरा के रहने वाले। थाना कौन सा है? थाना मईल होता है। ऐसो साहब जी गए थे, लेकिन कह रहे हैं कि जब खाली कर दो, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं खाली करेंगे। खबर बिजनौर के कोतवाली थाना क्षेत्र से है, जहां पुलिस ने 4 अगस्त को हुई बच्चे की हत्या के मामले में खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मामले की जांच में पता चला कि बच्चे के साथ कुकर्म में विफल होने और पहचान होने के चलते आरोपी ने बच्चे की गला घोटकर हत्या कर दी थी। वहीं पुलिस आरोपी को जेल भेजने की कवायद में जुटी हुई है। 4-8 को दारानगर गंज थाना कोतवाली में एक बड़ा ही सनसनीखेज घटनाक्रम हुआ, जिसमें कि एक 13 वर्षीय बालक का शव कश्यप मोहल्ले के पीछे जंगल में मिला था। हमारी टीम उसमें सक्रिय हुई। रेहान नाम के अभियुक्त फुरकान को जब हमने गिरफ्तार किया, तो उसने बताया कि मृतक रेहान जो है उसको उसने बुरी नीयत से उस दिन परचून की दुकान से लिया और जंगल की तरफ ले गया, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म का जब प्रयास करना चाहा तो वो चीखा, जिस पर कि तत्काल भयभीत होकर के उसने उसको गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। फुरकान की गिरफ्तारी हो चुकी, उसने अपने अपराध का इकबाल कर लिया है। बुलंदशहर के अनूपशहर में पहाड़ों पर हो रही बारिश से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। वहीं गंगा के बढ़ते जलस्तर से छोटी काशी अनूपशहर तहसील के क्षेत्र के गंगा किनारे बसे 12 गांव में बाढ़ की आशंका पैदा हो गई है। आपको बता दें कि गंगा का पानी घाटों पर गंगा आरती होने वाले प्लेटफॉर्म तक पहुंच गया है। वहीं प्रशासन ने नदी किनारे बसे गाँवों के लोगों को सावधानी की हिदायत दी है, साथ ही छोटी काशी अनूपशहर तहसील परिसर में कंट्रोल रूम भी स्थापित कर दिया गया है। प्रदेश के धान के कटोरे के रूप में विख्यात चंदौली जिले का सब्जी उत्पादन में डंका बजेगा। इसके लिए इजराइल के सहयोग से एक्सीलेंट सेंटर का निर्माण किया गया है, जिसका शिलान्यास केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रकाश शाही ने किया। आपको बता दें कि इस एक्सीलेंस सेंटर का शिलान्यास केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के हाथों में होना था, लेकिन इस कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे। इस एक्सीलेंस सेंटर चंदौली सहित आसपास के जनपदों के किसानों को उन्नत तरीके से सब्जी उत्पादन में लाभ मिलेगा। खबर हरदोई से है, जहां स्वतंत्रता दिवस को लेकर देश भर में तैयारियां जोरों पर है। बता दें कि हमारा देश आजादी का 75वां साल पूरा कर रहा है। इस अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए जनपद के श्री डाल सिंह मेमोरियल स्कूल के बच्चों की अनवरत मुहिम जारी है। स्कूल के बच्चे, शिक्षक, शिक्षिकाएं और पूरा विद्यालय परिवार 11 अगस्त से 17 अगस्त तक चलने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम के अलावा 11 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने के अभियान को सफल बनाने में लगा हुआ है। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि हमारे देश का अखिल स्वतंत्रता का 75 वर्ष पूरे होने की खुशी में हमारे पूरे देश में अमृत महोत्सव को मनाया जा रहा है। इसी क्रम में हमारे विद्यालय में आज बच्चों ने महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक आदि देश के वीर सपूतों के वेशभूषा में हम सभी को हम सभी से ये अपील की कि हम सभी लोग अपने अपने घरों की छतों पर हमारे देश की आन बान व शान तिरंगे को लहराने की कवायद को पूरा करें।
हमारे विद्यालय के बच्चे इस अमृत महोत्सव को धूमधाम से मनाने की सभी से अपील करने के लिए अनवरत प्रयत्नशील हैं। अमेठी के गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र में पड़ने वाले गुर्जर टोला गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों को ये सूचना मिली कि गांव से कुछ ही दूरी पर एक युवक शव पड़ा हुआ है। ग्रामीणों की सूचना पर तत्काल वहां मृतक युवक के परिजन और ग्रामीण इकट्ठा हो गए। जानकारी के मुताबिक युवक की हत्या जमीनी विवाद में की गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। थाना गौरीगंज का एक अज्ञात डेड बॉडी के बारे में सूचना मिली थी। ये गौरीगंज थाने के अंतर्गत जैनुल हसन राइस मिल और बनी रेलवे स्टेशन के पास में ये पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंच के जांच शुरू की थी। बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अभी जांच के दौरान पता चला है कि ये मृतक का नाम जिब्रेल है, 21 साल का उम्र, गुजर टोला गाँव का रहने वाले हैं। अभी परिवार के दौरान ज्ञात में एक तरीब भी दिया गया है, इसका एफआईआर पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। खबर संभल के रजपुरा थाना क्षेत्र से है जहां दबंगों ने पीड़ित के घर की छत पर चढ़कर पथराव और मारपीट की। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि मारपीट में एक महिला समेत चार लोग घायल हो गए, जहां पुलिस ने घायलों को मेडिकल अस्पताल भेज दिया है। साथ ही आरोपियों की तलाश जारी है। बिजनौर में एक दर्दनाक हादसा हो गया जहां एक मकान की छत गिर गई और गिरी छत के मलबे में दबने से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई, जबकि मलबे में दबने से एक बेटा, मां और पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में मलबे में दबे सभी लोगों को बाहर निकाला और जिला अस्पताल में भर्ती करवाया जहाँ उनका इलाज चल रहा है। दुर्भाग्यवश इसमें एक बच्चे की मृत्यु हो गई, जिसकी उम्र लगभग 8 साल है जी। इसका बड़ा भाई जो इसकी उम्र लगभग 10 साल है, वो सीरियस हालत में है जी। अभी देखना पड़ेगा कि उसमें लिंटर में क्या ऐसी कमी थी, वो गिर गया है। लेकिन जैसे मेरी सूचना मिली, हमें तुरंत मौके पर पहुंचा, जिला अस्पताल में आया हूँ। मैं घटनास्थल पर भी गया था, वहाँ पर उनके परिवार के सभी लोग दबे हुए थे, जिनको मुश्किल जनता ने निकाला है। सभी के हल्की फुल्की चोटें हैं, बड़ा दुख का विषय है। खबर और अयस से है जहां एक युवक दुकान लगाने गया था। जैसे ही युवक जब अपनी दुकान पर अपनी बाल्टी टांग रहा था, उसी दौरान वो करंट की चपेट में आ गया, जिसके बाद युवक को आनन फानन में जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के पहले ही युवक की मौत हो गई, जिसके बाद जिला अस्पताल में परिजनों ने खूब हंगामा किया। सुबह 9:50 पर शुभम अग्रवाल जी 34 साल के थे, मेल, तो उन्होंने बिजली का झटका लगा था। जब वो यहाँ आए थे तो उनमें मतलब कुछ था नहीं, हम लोगों ने चेक किया पूरा, पल्स लगा, कुछ उनमें कोई भी जीवित होने के साइन नहीं थे। तो उन लोगों ने बाकी जो कार्रवाई होती है उन्हें भेज दिया था, बाकी उनसे पूछ लिया था पोस्टमार्टम कराना है या नहीं, जो जितनी भी कार्रवाई होती है। उसके बाद वो लोग कहीं प्राइवेट नर्सिंग होम में लेके गए हैं, जहाँ उनको ये समझाया गया है कि उसमें अभी जान है। बिजनौर पुलिस ने फिल्मी अंदाज में गोली मार कर कार लूटने वाले बदमाश को फिल्मी अंदाज में घेराबंदी कर पकड़ लिया और पकड़ा गया। बदमाश काफी शातिर है, इससे पहले भी कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। दरअसल कार चालक जब बिजनौर के नगीना थाना क्षेत्र में गागन नदी के पास पहुंचा, तभी आरोपी ने कार चालक को गोली मार दी और कार लेकर फरार हो गया था। बड़ी सनसनीखेज घटना हुई जिसमें कि एक गाड़ी के ड्राइवर को गोली मार के उसकी गाड़ी लूट ली गई। विवेचना के दौरान पता चला कि ये गाड़ी हरिद्वार से बुक करा कर लाई जा रही थी और उसको दिल्ली के लिए बुक किया गया था। राम नारायण गुप्ता उसका ड्राइवर था जिसको गोली मारी गई, वो शिकोहाबाद का निवासी है। जैसे ही घटना हुई हमारी टीमें सक्रिय हो गई और हमने टोल बैरियर से सीसीटीवी कैमराज का विश्लेषण करते हुए इसका पीछा किया, रुद्र इसको हमने वहाँ पर गिरफ्तार किया। इसके पास एक तमंचा, दो खोखा, एक जिंदा कारतूस था, इसकी गाड़ी से बरामद हुआ। खबर गाजियाबाद से है। शराब का नशा तो गम को भुलाने के लिए होता है, लेकिन नशे का परिणाम भी कभी कभी खौफनाक हो जाता है। ये बात आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। ये मामला गाजियाबाद का है जहां एक शराबी ने नशे की हालत में मुर्गा बेचने वाले व्यक्ति पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू से वार करने वाला व्यक्ति मछुआरा बादशाह विजयनगर थाने का है। अपने आप को लोगों से घिरता देख बादशाह मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची विजयनगर थाने की पुलिस अब जांच में जुट गई है।
संभल के चंदौसी नगर में समाज के हित में कार्य करने वाली AK हेल्पिंग सोसाइटी ने फिर एक बार लोगों के हित के लिए संस्था के अध्यक्ष अमन खुराना के आवास पर कोविड टीकाकरण का आयोजन किया, जिसमें निःशुल्क टीकाकरण के साथ साथ वहां मौजूद सभी लोगों के लिए विशाल स्तर पर निःशुल्क शाकाहारी भोजन का भी आयोजन किया गया। बता दें कि कार्यक्रम का उद्घाटन तहसीलदार मोनालिसा जौहरी ने फीता काट कर किया, जिसमें लगभग 200 से ज्यादा लोगों को निःशुल्क टीका लगाया गया। देखिए, मैं अमन खुराना, AK हेल्पिंग सोसाइटी का अध्यक्ष एवं संस्थापक। आज मेरे आवास पे, यानी राधा स्वामी निवास लाठी बाजार पर, AK हेल्पिंग सोसाइटी द्वारा यहाँ पर कोविड का टीकाकरण शिविर रखा गया, जिसमें पूर्ण सहयोग हमारे चंदौसी के सरकारी अस्पताल की टीम एवं चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर हरविंदर सिंह जी का रहा। साथ ही इस शिविर का उद्घाटन हमारी तहसीलदार साहिबा श्रीमती मोनालिसा जौहरी जी ने फीता काट कर किया। मंजू दिलेर जी भाजपा से इसमें मौजूद रहीं एवं काफ़ी गणमान्य व्यक्ति इस। वाराणसी में सावन की चौथे सोमवार को भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का दर्शन कर जलाभिषेक किया और दर्शनार्थियों ने बताया कि विश्वनाथ कॉरिडोर बनने की वजह से जो पहले दिक्कतें आती थी वो दिक्कत अब नहीं हो रही है। बड़े आराम से बाबा का दर्शन हो रहा है और लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ बाबा का दर्शन कर रहे हैं। हम सबकी यही मनोकामना है कि बाबा का आशीर्वाद सब पर बना रहे। कहा जाता है काशी के कणकण में बसते हैं शिव। आपको बता दें कि आज अंतिम सोमवार है, यानी चौथा सोमवार है। इस बार चार सोमवार पड़ा है। आपको बता दें कि चौथा सोमवार है। आंकड़ों की बात की जाए तो पहले सोमवार को वाराणसी के अंदर लगभग 5 लाख से अधिक लोगों ने, श्रद्धालुओं ने दर्शन किया था। वहीं दूसरे सोमवार की बात करें तो दूसरे सोमवार को 6 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किया था। वहीं तीसरे सोमवार की बात करें तो लगभग 7 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किया था। वहीं अंतिम सोमवार यानी कि चौथा सोमवार की बात की जाए तो अब 11 बज रहा है। लगभग 3.5 लाख अब तक श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिया है। मुख्य कार्यपालिका अधिकारी सुनील वर्मा से बात हुई तो उन्होंने बताया कि 3.5 लाख श्रद्धालुओं ने अभी तक दर्शन किया है, लेकिन आपको बता दें कि शाम होते होते 7 लाख का आंकड़ा ये पार हो जाएगा। क्योंकि आपको बता दें कि इस बार जो है सबसे ज़्यादा भीड़ आई है, श्रद्धालुओं में ज़्यादा उत्साह हुआ है। आपको तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाएंगे कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। हम इस वक्त गेट नंबर 4 पर हैं और यहीं से लोग दर्शन करने के लिए लोग जा रहे हैं। यही मुख्य द्वार है, यहाँ से लोग दर्शन करने जाते हैं। यहीं से लोगों का होता है, कहा जाता है कि देश और विदेश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं और आकर के यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, दर्शन पा रहे हैं। और ये जब से कॉरिडोर बना हुआ है, आपको बता दें कि कॉरिडोर की वजह से लोगों में काफ़ी प्रसन्नता है, काफ़ी खुशहाली है, काफ़ी लोग मतलब कि उत्साह है लोगों के अंदर। लोग काफ़ी प्रशंसा कर रहे हैं कि कॉरिडोर बनने की वजह से कोई भी दिक्कत नहीं हो रही और कायदे से मतलब दर्शन हो पा रहा है। वाराणसी से कैमरा पर्सन फैसल खान के साथ आफ्ताब आलम, प्राइम टीवी वाराणसी। चंदौली के सैयद राजा थाना क्षेत्र में एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया और ऑटो में सवार एक ही परिवार के कई लोग घायल हो गए। वहीं एक सदस्य की मौके पर मौत हो गई। फिलहाल घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सावन के आखिरी सोमवार को जहां शिव भक्तों का शिवालय पर तांता लगा हुआ दिखा, तो वहीं अग्निपथ को लेकर कुछ महीने पहले कई छात्र विरोध कर रहे थे। वहीं अब अग्निपथ में अग्निवीरों की अनोखी तस्वीर देखने को मिली, जहां औरैया जिले में देवकली सिद्धपीठ मंदिर में अग्निवीर की तैयारी कर रहे 20 छात्र कानपुर देहात जिले से दौड़कर मन्नत मांगते पहुंचे और कहा कि अग्निपथ भर्ती का पूरा सपोर्ट करता हूँ और बाबा पर भरोसा भी है। जहां अग्निवीरों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए, उनसे मनोकामना मांगी। आपको बता दें कि कानपुर से दौड़ते हुए भगवान के दर्शन करने पहुंचे, मन्नत मांगने पहुंचे और मन्नत मांगने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें भगवान पे भी भरोसा है और साथ ही साथ अग्निवीर योजना पे भी, अग्निपथ योजना पे भी भरोसा है। जब कुछ महीने पहले जिस तरह से इसका विरोध देखने को मिल रहा था, तो वहीं अब एक अलग ही रूप देखने को मिला है जहां अग्निवीरों ने मंदिर में दर्शन पूजन किया है।
यूपी के हमीरपुर जिले में दबंगों ने एक युवक को दिन दहाड़े गोली मार दी। गोली लगने से युवक बुरी तरह जख्मी हो गया। राहगीरों को आता देख दबंग मौके से फरार हो गया। लहूलुहान हालत में चीख रहे युवक के परिजनों को जैसे ही इस घटना की जानकारी हुई वैसे ही परिजन युवक को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस ने दो आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया है और उनकी तलाश शुरू कर दी है। बता दें कि मामला मझगवा थाना क्षेत्र के टोला रावत गांव का है। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।